तिल तिल कर बिखर रहा है शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का कुनबा। बाल ठाकरे जब पुत्र मोह में फंसे थे तब उनके सबसे अजीज समझे जाने वाले और शिवसेना की बड़ी ताकत भतीजे राज ठाकरे ने साथ छोड़ दिया था, और अब सत्ता ने शिवसेना से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है तो उनके सगे बेटे की बहू उन्हें ठोकर मारने के लिए बेचैन हो चली है। मेरी माँ एक सोशल सर्विस करती है, सोशल वर्कर है, तो वो हिसाब से उसका सिर्फ एक और इंटेंशन है कि नाउ टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। परिवार के अंदर एक और बगावत की चर्चा है, लेकिन उद्धव ठाकरे को जैसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं। मला या विषयावरती काही बोलायचं नाहीये, प्रत्येक जण आपापला निर्णय घ्यायला मोकळा असतो, त्याच्यामुळे मला या विषयावरती काही भाष्य करायचं नाही, माझं काम जे आहे ते मी करत राहणार आहे। राज ठाकरे के बाद एक बार फिर ठाकरे परिवार की आपसी लड़ाई खुलकर लोगों के सामने आ गई है। विद्या के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। शिवसेना के सर्वे सर्वा बाला साहब ठाकरे की बरगद जैसी छवि के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाने वाली स्मिता ठाकरे परिवार में स्मिता ठाकरे का सफर शुरू होता है 1987 से, जब वो बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे की सहधर्मिणी बनकर आए। 1995 में बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई और बड़े बेटे बिंदु माधव की मौत के बाद स्मिता ठाकरे के हाथ घर की बागडोर आ गई। बाल ठाकरे को अपनी बहू पर यकीन था और बहू को अपने फैसलों पर। सूत्रों के मुताबिक जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बने तब से पार्टी में स्मिता का शक्ति समीकरण बिगड़ने लगा। जाहिर है स्मिता ठाकरे के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे, अब स्मिता मातोश्री की छाव से निकलने का संकेत दे रही है। लगता है स्मिता ने एक बार फिर नई राह तलाशने की तैयारी कर ली है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के शेर को सियासत के सबसे बड़े झटके अपने घर से मिले हैं। बाल ठाकरे अपने परिवार को समेटने में नाकाम नजर आ रहे हैं। पहले पत्नी और बड़े बेटे का साथ छूटा, लेकिन तब बाल ठाकरे के दो मजबूत हाथ थे, राज और उद्धव। बाल ठाकरे राज और उद्धव के साथ शिवसेना के भविष्य का सपना देख रहे थे। यहाँ तक कि जयदेव ठाकरे के अलग होने का भी ज्यादा असर नजर नहीं आया, क्योंकि बहू स्मिता ठाकरे ने मातोश्री की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। राज ठाकरे मातोश्री से निकले तो जैसे शिवसेना की ताकत को कमजोर करने की कसम लेकर। राज ठाकरे ने यही किया भी। बेटे को विरासत सौंपकर बाल ठाकरे पार्टी की हालत संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और झटका लग गया। अब बहू ने कर ली है बगावत की तैयारी। जाहिर है बाल ठाकरे के लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है। आज तक ब्यूरो। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा जिंदगी और मौत की जंग का। विशाल चट्टान से दबे इस युवक की जिंदगी की डोर किसी पल भी टूट सकती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये वाकया है जबलपुर के गुप्तेश्वर का, जहां चट्टानों को तोड़ते समय राम सेवक नाम का युवक चट्टानों के बीच दब गया। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। पाइप के जरिए उसे ऑक्सीजन दी गई, लेकिन उसे निकाल पाने का कोई उपाय नहीं हो पा रहा था। यहाँ मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने कहा कि पत्थर तोड़ने में कोई लेबर पत्थर के नीचे फंस गया है, आप तुरंत क्रेन की व्यवस्था कराएं। मौके पे यहाँ पे देखा गया कि एक आदमी पहले इंजर्ड था जिसको वहाँ ले गए, एक आदमी फंसा हुआ था। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और बुरी तरह जख्मी राम सेवक को बचा लिया गया। ये क्या जाँच का विषय है, इसको किसी के बारे में जानकारी नहीं है कि ये लीगल है कि अनलीगल है। चट्टानों के अवैध खनन के लिए यहाँ के एक बीजेपी नेता का नाम लिया जा रहा है। धीरज शाह, जबलपुर आज तक। तस्वीर में दिखाई पड़ रहे लोगों का जुर्म संगीन है। इन्होंने एक दुकान में लूटपाट मचाई और विरोध करने वाले की हत्या कर दी। घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। शाम के 7 बजे थे, रावत भाटा के नया बाजार में रोज की तरह भीड़ भाड़ थी। तभी एक ज्वेलर की दुकान में करीब 20-25 बदमाश घुस आए। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी और किसी के हाथ में देसी पिस्तौल। बदमाशों ने बिना देर किए दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। दुकान के मालिक कैलाश सोनी ने विरोध किया तो उनकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन कैलाश ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले लुटेरों से लोहा लेने लगे। इसके बाद बदमाशों ने सोनी को गोली मार दी। सोनी गिर पड़े और दोबारा उठ न सके। इधर बदमाशों ने पूरी दुकान पल भर में खाली कर दी। झोलियां भरकर बगल की दुकान में गए और वहां भी लूटपाट मचाई। बदमाशों ने नकदी समेत कुल 50 लाख रुपए की लूट मचाई और करीब 6 लोगों को घायल कर दिया। संजय वर्मा, चित्तौड़गढ़ आज तक।